तू कुछ भी बोल, पिक्चर बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। देख के तो आनंद आ गया भाई। अरे अरे अरे, मेरी जेब काट ली किसी ने, मेरी जेब काट ली। अरे अब मैं क्या करूं? तुम्हारा क्या है बहन जी? सर पहले तो मैं आया हूँ। अबे बंद करना अपना ढक्कन, औरतों की इज्जत करना हमारा फर्ज है, सरकार भी इज्जत करती है इनकी। हाँ बताइए आप। सर मेरा घड़ा चोरी हो गया सर। बहन जी उसी के ऊपर बैठी हैं आप? पानी पीने का घड़ा था सर। अरे तो ऐसे कहिए ना, आपकी बातें सुनकर मैं कुछ और समझ बैठा था। 20 किलो का था सर। चोरी करने वाला इतना भी चोरी नहीं करेगा तो उसे क्या मिलेगा, घंटा? हाँ आप बताइए। मेरी माँ का दिया हुआ 5 किलो का पीतल का घड़ा था सर। अरे शुक्र करो आपके साथ उसने कुछ नहीं किया। हाँ आप बताइए। अब साइकिल चोरी हो गई। ताला लगाया था उसमें? हाँ लगाया था ना साहब। अरे ताला लगाने से कुछ नहीं होता है, जंजीर डाल के ताला लगाना होता है। साइकिल ही तो थी सर, इसीलिए सिर्फ ताला लगाया। अरे इस जमाने में अपनी औरत के साथ सोने के समय भी ताला लगाकर सोना पड़ता है। एक साइकिल नहीं बचा सकता, उस पे बीवी बच्चों को बिठाकर बस घुमाना आता है तुम्हें है? अरे मजबूत ताला नहीं लगा सकता था? आज के बाद सोते समय अपनी पत्नी को भी चैन डाल के ताला लगा देना, क्योंकि साइकिल जाएगी तो उसे एक ही आदमी चलाएगा, लेकिन तेरी औरत चली गई ना तो पता नहीं कितने लोग चलाएंगे उसे। हाँ तू बोल। सर मुझे मार मार के मेरा सारा माल लूट लिया। सर इन सब का क्या करूं? अरे कंप्लेंट लेके सबको भेज दो, बाद में देखते हैं। आइए सभी लोग आकर के साइन कर दीजिए। ए आराम से, इंक निकलता है इसमें से। सर हाँ बोलो। साइन तो करवा रहे लेकिन किस लिए ये बता नहीं रहे आप? तेरा प्रॉब्लम क्या है बोल तो। सर टेंट में फिल्म देखने गया था, वहाँ पैसा चोरी हो गया। हाँ? सर बेटा गंदी पिक्चर देखते देखते उसमें खो गया होगा, तेरा बटुआ काट लिया होगा, चल भाग यहाँ से। ये बताओ चंद्रपा, ये सब कुछ कौन कर रहा है? यही आजू बाजू के लड़के मिलकर ये सब कर रहे हैं ऐसा मुझे शक है सर। अगर हमने उन्हें शक की बुनियाद पर लाकर अंदर कर दिया ना तो ये जात पात वाले सभी लोग मारपीट तोड़फोड़ ये सब करना शुरू कर देते हैं। अरे ये बताओ हमें क्यों चाहिए ये सर का दर्द? अरे जो भी नेक्स्ट आएगा वो सब देख लेगा। इसे उठाकर साइड में फेंक दो, फेंक दो इसे। अच्छा ठीक। हाँ ठीक लग रहा है, थोड़ा सा बेहतरीन, वजनदार है। मिक्सिंग पीतल नहीं होती सेठ, प्योर है। लगता है सुट्ठा शिकार करके आए हो। सेठ जी बहुत मेहनत से कमा कर लाए हम लोग। तुम लोग कैसी मेहनत करते हो, मैं सालों से देखता आ रहा हूँ भाई। तुम देखते देखते साहूकार हो गए और हम काम कर करके भी गरीब रह गए। क्यों भैया,
पैसा नहीं लेते हो क्या? तेरे दिए हुए नोटों में बाज है सेठ, सब कुछ खराब हो गया। और कितना सड़ाओगे सेठ अपनी तिजोरी में? इस गांव में 12 सेठ लोग ही दौलतमंद है, आप क्या पूरे गांव को खरीद सकते हैं सेठ जी? क्या बात है भाई, मेरे घर में भी चोरी करने का इरादा है क्या? हम क्या चोर नजर आते हैं आपको? नहीं 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 नहीं, ऐसे लोग तो आप नहीं है, बड़ी लगन से मेहनत करके पैसा कमाते हो। सेठ, सारी दुकान खाली खाली लग रही है, सोने का माल कहाँ रखा है? आपकी तरह मेहनत करने वाले इस गांव में काफी लोग हो गए हैं ना, इसीलिए सारा माल ले जाकर पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया। पैसा दे दो सेठ, हम पुलिस से हमेशा दो कोस की दूरी पर ही रहते हैं, जैसे तलाक के बाद पति पत्नी रहते हैं, ना वो आती है ना हम ढूंढने जाते हैं। मस्त गिनता है सेठ। एक दो तीन दे दो सेठ। अरे सेठ, 200-400 एक्स्ट्रा दे दो ना। आप भी थोड़ा ज्यादा माल लेकर आओ ना। अच्छा ठीक है सेठ जी, बहुत जल्द और ढेर सारा माल लेकर आने वाला हूँ। चलो भाई चलो। ए, सब लोग किधर जा रहे हो? सारा माल अंदर कौन रखेगा भाई? चल भाई चल। ए अपन्ना, ये ले, अंदर डाल दे। ये पकड़। अरे अरे क्या कर, धीरे धीरे रखो ना। हाँ फायदा देगी। हाँ भारी माल है। खाना हो गया, पीना हो गया, आगे कहाँ जाना है यार? ए, पारों के घर जाकर बीज बोकर खेती करते हैं, चल यार। ये सही कहा तूने। सो गई थी क्या पारो? सुलाने आए हो? दारू नहीं, थोड़ा खुजाना इधर। खुजाने के लिए अंदर कविता है ना? पैर धोने के लिए पानी देना पड़ेगा तुम्हें। हमारे खानदान में कोई पैर नहीं छूता, चलो अंदर। चलो चलो चलो। कविता, खाली हाथ आए हूँ, कुछ लेकर आना चाहिए था ना। तुझे क्या पसंद है जान? मुझे तो आइस कैंडी पसंद दिन है। में 10 आइसक्रीम खा लोगी? मूड बनने पर खाती हूँ। अब तक 50 तो खाई होगी तू? नहीं नहीं, अब तक 10 भी नहीं। टेंशन मत लेना, आज के बाद हर दिन मैं खिलाऊंगा तुझे। देखने के लिए पैसे देकर आए हो तो देख लो। अरे जोगी, स्कूल जाके दीवार पर सिर को मारने से पढ़ाई दिमाग को नहीं लगती, समझ रहा है ना मेरी बात को? हाँ, सुनाने वाला नेता बनता है, सुनने वाला सेवक बनता है। तू पढ़ाई करके क्या करना चाहता है? मेरी तरह गांव-गांव घूमकर दलाली का धंधा करना? ए, 10 बार पढ़ लिया, 10 बार लिख लिया लेकिन पास नहीं हुआ, ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रहा है तू? अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो बैल लेकर खेत में हल चलाना। मेरा थोबड़ा क्या देख रहा है, जाके काम कर। अजी, उसे लिखने तो दीजिए, इस बार पास जरूर हो जाएगा। तो थोबड़ा बिगड़ जाएगा, जाके अंदर अपना काम कर। मुझे पता है नालायक क्या काम करेगा, चल बेटा। देख बेटा, तू फेल हो गया कहकर ये सभी लोग कैसी बातें कर रहे हैं। बच्चे को भूख लगेगी कहेगा तो ही माँ दूध पिलाएगी ना, ये ले खा। तू तो बस 10 बार ही फेल हुआ है ना, तो और 10 बार फेल हो जाना। ये ले खा, खा, हिसाब ज्यादा हो जाएगा, ऊपर से तेरे माँ बाप तुझे आशीर्वाद भी करेंगे। अरे सुन बेटा। हाँ पिताजी। गोबर के उपले बनाना छोड़कर तुम पढ़ाई करने क्यों जा रहे हो? आप जरा चुपचाप बैठेंगे? अरे चुपचाप तो ही बैठा हूँ। बारिश ना आने की वजह से सारे गांव वाले मंदिर के पास जा बैठे हैं, उनमें से एक ही छाता लेकर आया था, इसी को भरोसा कहते हैं। ओहो, आपको सच में लगता है कि ये लोग पास होकर अच्छी सी नौकरी करेंगे? 7वीं तक पढ़ाई की है, क्या फायदा? पढ़ाई छोड़कर यहाँ नहीं आई क्या चूल्हा भूखने? अरे मैंने हर प्रयास तो कर लिया, ये पढ़ नहीं सका, मैं तो इसे खुद पढ़ाना चाहा था। 10वीं के ऊपर पढ़ाई नहीं तेरा बेटा। पढ़ने वाले को कोई भी पढ़ा सकता है और नहीं पढ़ने वाले को कोई पढ़ा सकता है क्या? हाँ, जो एक बार में पास नहीं हुआ वो बार बार पढ़ने से पास हो जाएगा क्या? हमारे गांव के लड़के एग्जाम लिखने जा रहे हैं भैया। सर, इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए ना। नहीं पता।
नहीं पता है तो आप सर कैसे बन गए? ए, जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है वो आपने मुझे दे दिया, कितने बड़े धोखेबाज हैं आप। अम्मी अम्मी थोड़ा दिखाना, अरे कुछ थोड़ा सा दिखाना, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। पन्ना पलट दे, मैं देख लूंगा उसमें से। ए, लड़की से क्या बात कर रहे हो? तुम चुप जाओ ना यार, वो लड़की मुझे दिखाएगी, तुम जाओ। ऐसा करोगे तो बाहर भेज दूंगा समझे। एक मुक्का मारूंगा तो सारे दांत टूट जाएंगे। फीस नहीं भरी क्या मैंने? मुझे बाहर भेजने वाला तू कौन होता है? चड़ू, पूरी रात पढ़ाई कर रहा था क्या? हमारी पारों के घर आता ना तो और अच्छी पढ़ाई होती। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं मैडम जी, मैं पूछ रहा था कबड्डी खेलेगा क्या? आपने कभी कबड्डी खेली है क्या? नॉनसेंस। आइए ना मैदान में, मजा आएगा। शट अप एंड गेट आउट। क्या है, चिल्ला के बात क्यों कर रही है? मारूंगा तो यही मर जाएगी। ए, यहाँ सोना मना है, बाहर जाओ। पैसा दिया है मैंने, एग्जाम देने तक सोऊंगा यहाँ पर, डिस्टर्ब मत करो। 100 में से 100 इस बार पास नहीं होऊंगा। फेल हो जाऊंगा। मेरे बगल वाली लड़की ने मुझे कुछ नहीं दिखाया इसलिए मैं फेल हो जाऊंगा। टीचर ने मेरे साथ कबड्डी नहीं खेली इसलिए मैं फेल हो जाऊंगा। ऊपर वाला चाहता नहीं कि मैं पास हो जाऊं इसलिए मैं फेल हो जाऊंगा। एग्जाम में मुझे ठीक से सोने नहीं दिया इसलिए मैं फेल हो जाऊंगा। ज्योति लक्ष्मी को मैंने सही से नहीं देखा इसलिए मैं भी फेल हो जाऊंगा। क्या चल रहा है? हाँ चल जाने देना, वैसे भी कौन सा मुझे पास होना था। ए लारे जरा बीड़ी पिला। क्या हुआ तेरा? ए तू तो जानता है ना डुबकी, और तेरा? मैं तो पास हो गया हूँ, अब कॉलेज में एडमिशन लेना है मुझे। कौन से कॉलेज में? जिसका कोई नाम नहीं है यार। ओ समझ गया समझ गया समझ गया, हम कहाँ पास होने वाले हैं यार। देख वो भी आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी तक हमें पास करने वाला पैदा नहीं हुआ है भाई। अगली बार फेल होने पर मेरा 9 बार पूरा हो जाएगा। तेरा क्या हुआ जोगी? अपनी शर्ट फैलाकर बैंड बजाऊंगा। और तेरा क्या हुआ? बीड़ी देना यार, बीड़ी देना। आजा। लो ये भी आ गया। क्या हुआ भाई? क्या हुआ रे तेरा? अबे ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ा है? वैसे भी पास होके क्या कर लेगा तू? मैं पास हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं पास हूँ। पास होकर भी ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? अरे पागल कहीं कि हमारे ग्रुप में तू अकेला पास हुआ? शिव शंकरा सारे जगत का तू शिव शंकरा, भस्म रमा भोले भस्म रमा सारे जगत का तू शिव शंकरा। ओ शंकरा सारे जगत का तू शंकरा, भस्म रमा सारे जगत का तू शंकरा। बाबा की है मेरे बाबा की है भोले बाबा की महिमा बड़ी, सबसे अलग यारो सबसे अलग मेरे भोले की जादूगरी। सबसे अलग है सबसे अलग मेरे भोले शंभू, शंभू 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 शंभू। देवा हो देवा हो देवा हो देवा हो देवा हो देवा हो।
यही देता है तू महादेवा, मांगे जो देता है तू महादेवा। सबको सब कुछ है दिया, तुझ में है बड़ी दया, दुनिया में नाम तेरा ऊंचा है सबसे बड़ा महादेवा। बाबा की है मेरे बाबा की है भोले बाबा की महिमा बड़ी, सबसे अलग यारो सबसे अलग मेरे भोले की जादूगरी। सबसे अलग है सबसे अलग मेरे भोले शंभू, शंभू 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 शंभू। एक एकड़ जमीन जाएगी तो कोई बात नहीं, पकड़ूंगा तो इसी को पकड़ूंगा। वैसे भी तेरे पास कुछ नहीं है, घर में दाना भी नहीं है, ऐसे में कॉलेज में पढ़ने की क्या जरूरत है बेटा? हाँ, मैं भी तो वही समझा रही हूँ भैया जी, एग्जाम तो पास करने से रहे, लड़की ढूंढती हूँ, शादी करा दो इनकी। ए, अपनी माँ की बात सुन ले बेटा। सुनो, तुम अपने बेटे को कॉलेज मत भेजना, आजकल की लड़कियों की दोस्ती ठीक नहीं है, वहाँ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती, आवारा गर्दी करते हैं। मेरा नालायक बेटा ठीक से पढ़ नहीं सका, वो पास हो जाता तो उसे कॉलेज में भर्ती करवा देता, बिना सोचे समझे जुबान कैंची की तरह चलाती रहती हो, कहती हो लड़कियों से दोस्ती करना अच्छा नहीं होता, चलो आप जाओ यहाँ से। बेचारी, रहने के लिए घर तक नहीं है, बेटी को पढ़ाई कैसे करवाएगी? अरे रे रे रे, अभी पढ़ने की उम्र खत्म हो गई है क्या? और 2-3 साल पढ़ लेने दो, फिर एक साथ पास हो जाएंगे। कोई चाहे कुछ भी बोले, मुझे कॉलेज भेजना पसंद नहीं है, अब मैं और नहीं झेल सकती, छोड़ दो। मौसी, तुम भर्ती मत करना, हम सभी भर्ती करा देंगे। अभी एक लगाऊंगा, चुपचाप बैठ जा। 3 रुपए कमाने की औकात नहीं है, कॉलेज में भर्ती कराएगा, कॉलेज में। ए, तेरी बीवी की सूरत देखकर छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं तुझे। चाहे कोई कुछ भी कर ले, ये कॉलेज जाके ही रहेगा। हमारे बस्ती में पास होने वाला ये अकेला है, पढ़ने दीजिए ना। ए, तू पढ़ रहे, चाहे कुछ भी हो जाए देख लेंगे। सही है। देखो तो 1 रुपया भी खर्च मत करना, इसे पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। 1,00,000 रुपए खर्च होता है तो होने दो, हम देख लेंगे, कैसे भी करके इंतजाम करेंगे। पहले तो शुगर के पास मक्खियाँ आया करती थीं, अब तो फिगर के पास मक्खियाँ आ रही हैं। अबे चुप करना, तू फिगर है क्या ही करके हंसने के लिए? अच्छा सुन, उस औरत ने तेरे ऊपर कंप्लेंट किया तो तूने क्या कहा? एक्सक्यूज मी, आपको कहीं देखा हुआ लगता है। कब कहाँ देखा मुझे याद नहीं आ रहा, आपने मुझे कहीं देखा है क्या? इस तरह रास्ते में 4-5 बार पूछा था सर। अबे उससे तूने रात को ही क्यों पूछा बे? सर टेंट में हिंदी पिक्चर देखी थी सर, बिल्कुल हीरोइन की तरह दिख रही थी सर, इसीलिए सर मैंने पूछा। ओहो, तो ये तेरे टेंट का समाचार है? जी सर। रुक बेटा, थाने में नए साहब आने वाले हैं, तेरे इस टेंट के समाचार को वही सही करेंगे। साहब जी चाय बोल देता हूँ। ए छोटू, चाय लेकर आना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रप्पा बोमन है सर। किस गांव से हो? बीजापुर से। यहाँ आए कितने साल हुए? कुल 10-15 साल बिताए हैं सर, सभी ने मुझे प्रमोशन देकर मुझे यहाँ से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने मौका नहीं दिया सर।
लकवे की वजह से मेरी पत्नी मर गई। मेरी दो बेटियां हैं सर, उन्हें लेकर गांव-गांव कहां घूमता रहूंगा। इसी नौकरी में इसी गांव में रहने का मन बना लिया, इसलिए हमेशा यही रहूंगा सर। इस गांव में स्पेशल क्या है? यहाँ रेशम बहुत बनता है सर। इसके अलावा सिनेमा टेंट है, एक से एक फिल्में यहाँ पे दिखाते हैं सर। वाह 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 वाह। दिन के उजाले में ब्लू फिल्म देखने के जुर्म में इसको लॉकअप में बंद करके रखा है सर, देखिए ना। केस केस कहाँ है केस? ये क्या है, यहाँ सिर्फ चोरी की ही केसेस भरी हुई हैं? जी साहब जी, इस गांव में ये एक छोड़कर कत्ल, बलात्कार, किडनैप ऐसा कोई भी केस नहीं मिलेगा आपको। अगर एक बार चोरी करने आ गए ये सब ना, तो किसी भी नीचता पर उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं ये सब सर। इन लोगों को तुम जानते हो? जानता हूँ साहब, लेकिन कोई गवाह नहीं है। शक की बुनियाद पर अगर इनको अंदर कर भी दिया ना सर, तो इनके जात वाले इकट्ठे हो जाते हैं, मार पीट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है सर। धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा सर। सांबर अच्छा है, आपको थोड़ा सांबर डाल लूं? नहीं, इतना काफी है। तुमको चाहिए? नहीं मम्मी। ठीक है। और बच्चों, स्कूल कैसा रहा? अच्छा था पापा। वेरी गुड वेरी गुड। और मैडम, आपका बैंक कैसा रहा? इतना हैवी ट्रांजैक्शन नहीं था, इस गांव के हिसाब से ठीक है, बट ओके। आपका दिन कैसा रहा पुलिस स्टेशन में? एक तरह से इंटरेस्टिंग रहा। कोई खून नहीं, रेप नहीं, किडनैपिंग नहीं, सिर्फ चोरियां। चोरी के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो हमें बहुत होशियार रहना पड़ेगा। माँ, लेकिन इस टाइगर के घर में कोई भी चोर नहीं आ पाएगा। टाइगर? इस घर में कौन सा टाइगर है? माँ, पापा ही तो टाइगर है ना। एक मर्द की औलाद है तो अपना नाम बताकर जा। दिखने में कैसे थे वो? दिखने में भूखे शेर लग रहे थे सर। अबे, दिखने में तो तू ही गेंडे की तरह दिख रहा है, फिर भी उनसे मार खा के आ गया, शर्म नहीं आती तुझे? काम क्या करता है? माटी पहलवान हूँ, उनको छोड़ना मत सर। तू तो उनको छोड़ करके आ गया, अब पुलिस उनको छोड़ देगी क्या? एक बार मिलने दो, पूरी लाठी तोड़ दूंगा।
वो कौन थे, क्या थे, दिखने में कैसे थे, कुछ तो पता होगा तुम्हें? नहीं सर, लेकिन वो कौन है मुझे अब पता है। कौन थे वो लोग? जिंदा गैंग। इसकी जुबान में कीड़े पड़े, इसका मुंह टेढ़ा हो जाए, इसकी मौत काले नाक के काटने से हो जाए, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। सुना भाई, अरे बस करो, इधर कोई मरा नहीं है कि रोना धोना मचा रखा है, चलो जाओ यहाँ से। क्या हुआ दीदी? क्या बताऊं भैया, जब मेरी इससे शादी हुई तो मेरे पापा ने मुझे सोने चांदी से मढ़ा के भेजा था, अब मेरे पास एक भी नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद कर दिया, इस सेठ के दुकान को भर रहा है। सेठ भर रहा है? जैसे तुम सब फोकट में देती हो, पैसे नहीं लिए क्या? मेरे पापा ने पितृपक्ष के लिए दिया हुआ बर्तन था ये, उसे भी गिरवी रख दिया, इसके हाथ में लड़ुआ मार जाए। अरे अगली दिवाली को छुड़ा कर दूंगा, जाने दो। अगली दिवाली में ताश खेल कर। दीदी कह रहा है ना छुड़वा कर देगा, तो क्या परेशान होती हो? कह रहा है ना वो छुड़वा देगा, ये लो, नहीं छुड़वा सका ना तो कोई बड़ा सामान लेकर आना, दे दूंगा। ऐसे दे दे कर ही मेरा घर पूरा खाली कर दिया तेरी तो। बेवकूफ कहीं के नाश मिटे, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। चलो चलते हैं। सेठ ये लो। हाँ सोने का है सेठ, सोने जैसे लड़के सोना ही लेकर आएंगे ना। अगर नकली सोना होगा तो तुमको उसका पैसा नहीं मिलेगा, घिसना पड़ता है, उसके बाद ही तुमको पैसा दूंगा। घिसो सेठ घिसो। अरे यार ये तो कुछ और भी डाल रहा है। मैं नतरंग लाई। लो पकड़ो। क्या सेठ इतना ही क्या? ए इसका इतना ही मिलेगा, पकड़ो। ए, ये सेठ एक रुपए भी ज्यादा नहीं देने वाला, चल चलते हैं। हाँ यार सेठ देख, सबसे पहले से ले जा करके बहुत अच्छे कपड़े दिलाते हैं। वो, वो रजनी अन्ना ने नई वाली फिल्म में डाला था ना, उसी तरह क्या? अरे वो नहीं यार, राज भैया के पिक्चर में डालते हैं नोक वाली, वो लंबी लंबी सब नहीं चाहिए यार, एक जोड़ी चप्पल ही काफी है मुझे। जैसे हमारे शंकर भैया पहनते ना बेल बॉटम, वैसी लेंगे हम लोग पैंट। शर्ट ऐसी होनी चाहिए, कॉलर उसका मस्त होना चाहिए, ऐसा शर्ट ही लेना होगा। सुनो पहले दुकान जाते हैं फिर इसे जो पसंद है वो ले लेते हैं ना, चलो चलते हैं यार। ठीक है, चलो। अशोक तुझे भर्ती कराने में बहुत मेहनत लगी है, अच्छे से पढ़ना तू। किसी आवारा लड़के से दोस्ती मत करना कभी। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, बाकी सब छोड़। कपड़े लत्ते किताबें इन सब के लिए हम लोग हैं। अच्छे से पढ़कर इसी गांव में पुलिस ऑफिसर बनकर आना होगा, यही हम सब की तमन्ना है। ये जो दो साल है ना, किसी भी तरह इसमें पास हो जाना तू, फिर हम सभी की काम की गारंटी पक्की। हर दिन इसी तरह छोड़कर शाम को हम ही घर ले जाएंगे। कोई कुछ बोले ना तो हमको बताना, कान के नीचे बजाएंगे उसको। ये सुन, जा मन लगा के पढ़ना। चल 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 भाई, अच्छे से पढ़ना भाई, नाम होना बनता है भाई, ध्यान रखना। ठीक है ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी, बैठ जाओ, आपको मैं यह पाठ पढ़ाने वाला हूं। मेरा नाम है पनीराज। पहले आप लोग अपना परिचय दीजिए। शीतल इसी गांव से हूं। अशोक सर इसी गांव से। क्या मैडम सर झुका के जा रही हो, सर उठा के चलो ना। सर उठा के चलेगी तो इसका दिमाग खराब हो जाएगा। देखो कैसे किताब से चिपक के जा रही है।
अपर्णा, आज से ये दोनों मेरी बहनें हैं और तू हमारा जीजा। ठीक है साले साहब। ऐसे क्या घूर रही रे? ज्यादा घूर मत, नहीं तो लगाऊंगा एक ना बस। चल भाग यहाँ से। सुनना, अशोक के आने का टाइम हो रहा है, जाके चप्पल उठा ला। कॉलेज में पहला दिन कैसा रहा? अरे बहुत अच्छा कॉलेज है यार। हाँ तो पुलिस वाला बनेगा ना? गारंटी। ये बात, तुझे कॉलेज भेजने का फायदा हो गया यार। अपने पाठशाला में गौरी शंकर नाम का जो था ना, वो झाड़िया गौरी शंकर जिसके सर पर हम मारा करते थे वो। अरे उसका बाप ही लेक्चरर निकला और आज वही तो इतिहास पढ़ा रहा था हमको। अपना पुराना इतिहास भी उसके बाप को बता रहा था ना। वो लेक्चरर है, कल को अगर एग्जाम में फेल वेल कर देगा तो क्या? नहीं चुप रहो यार, तो एग्जाम में फेल वेल हो जाएगा तो ऑफिसर बनने का सपना खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, जाने दो यार, अब अगला प्रोग्राम क्या है बताओ। चलो चलते हैं अपने पुराने अड्डे पे। चलो। क्यों बे? लगता है तेरे घर पे रिश्तेदार आए हैं। चलना देखते हैं। चलना, चलो चलते हैं। दीदी तुम कब आई? जीजा जी और बच्चे नहीं? वो तो नहीं आएंगे क्योंकि तेरी दीदी यही रहने वाली है। मतलब शादी के वक्त 10 तोला सोना दूंगा ऐसा कहकर उन्हें मना लिया था ना, 2 बच्चे होने के बाद भी नहीं दिया। अब मुझे चाहिए ऐसा कहकर मुझे घर से निकाल दिया। सोने जैसी लड़की को छोड़कर सोने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है वो? 2 बच्चे होने के बाद अब उसे सोने की याद आई? हाँ, 2 बच्चे होने तक मजा लिया ना इसीलिए। ओहो, उसने जाने को कहा और ये छोड़ के चली आई। चल यार उसकी बैंड बजा के आते हैं। हाँ तुम जाकर उसकी बैंड बजाओ, पहले से ही इतना गुस्सा है और गुस्सा हो गया तो मुझसे रिश्ता ही तोड़ देगा। आहा, लड़का तो सोने जैसा है, जिंदगी तो बोमड़ी जैसी। इसीलिए तो कहते हैं एक हाथी को पाल सकते हैं लेकिन एक दामाद को नहीं पाल सकते। अब जो होना था हो गया, आगे क्या करना है बोलो। अब जो कुछ भी होना था हो गया, अब आगे क्या करना है ये सोच लो। अगर ये यहाँ और ज्यादा दिन रुकी ना तो गाँव वाले अनाप शनाप बातें करेंगे। इतना सारा सोने के लिए पैसा कहाँ से लाऊं यार? ये तू इतना टेंशन क्यों लेता है यार? देखना आगे कुछ ना कुछ कर लेंगे, ऊपर वाला अपने साथ है। लड़कियों को छेड़ते हो? लड़कियों को छेड़ते हो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? छोड़ दीजिए सर, दोबारा नहीं आऊंगा सर यहाँ पे। पुलिस वाला कोई नहीं समझा है? सर, गलती है सर। ओह, ये पुलिस वाला उनको मार क्यों रहा है? तो अरे इतना मार क्यों रहा है उन्हें? ये जाके पूछना। चमड़ी उधेड़ दूंगा तुम सबकी। क्या लड़कियों को? दोबारा इस कॉलेज के आसपास नजर आए ना तो एक एक की नसें काट दूंगा। क्या हुआ यार? अरे वो किसी लड़के ने आकर लड़कियों को छेड़ा है ना, इसलिए सबकी धुलाई हो रही है। भाई बहुत कड़क ऑफिसर लग रहा है ये। आज के बाद तुम लोग भी यहाँ पर दिखाई मत देना, कॉलेज छूटने के बाद मैं हमारे अड्डे पे आ जाऊंगा, समझे? हम लोग नहीं आएंगे, तू अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ ठीक है, चलो अब निकलो, जाओ। चल आ जा। क्यों भाई इतना क्या सोच रहा है? अपनी दीदी को उसके पति के घर भेजने के लिए इतना पैसा कहाँ से लाऊं यार? ऊपर वाला है ना, छोड़ ना। ऊपर वाला आकर पैसा देगा क्या? मान को बहलाने के लिए अच्छी बात है, बंदोबस्त कर लेंगे यार, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऊपर वाले ने पैसों का इंतजाम कर दिया यार। कहा यार? Yeah.
कुछ नहीं होगा, कपड़े से ढक लिया है ना, वो चली जाएंगी। अरे मैं भी तुम्हारी क्लास में हूँ, इसी गांव का हूँ। तुम्हारा नाम शीतल है ना? आपको कैसे पता? उस दिन हिस्ट्री के टीचर पूछ रहे थे ना, तभी पता चला। इस सीताबाई, गीताबाई, रितुबाई के बीच ये कौन सी शीतल वीतल वगैरह वगैरह। मधुमक्खियां चली गई। एक मिनट रुकना, हाँ मैं देखता हूँ। हाँ चली गई। थैंक्स। अच्छा, तुम हमेशा पीछे की बेंच पर बैठते हो, तुम्हें सब कुछ समझ में आता है क्या? अरे ऐसा क्यों कह रही हो, पीछे के बेंच पर बैठने वाले ही आगे आते हैं। मैं SLC में बीच में बैठने की वजह से फेल हो गया था, अगर पीछे बैठता ना तो कब का ऑफिसर बन जाता। ओ, तो तुम ऑफिसर बनना चाहते हो? गारंटेड, जरूर बनूंगा, देख लेना। गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। प्यार की कसम है प्यार की सनम, सूरत हसी प्यार की हो तुम। हुआ रे हुआ दिल दीवाना, यारा तेरे प्यार में शुरुआत है, शुरुआत ये प्यार की, शुरुआत है, शुरुआत ये प्यार की, शुरुआत है, शुरुआत ये प्यार की। माँ कपड़े धो देना। ए क्यों रे, हफ्ते में एक दिन कपड़े बदलने को कहा था, हर रोज क्यों बदल रहा है? हाँ आखिर बात क्या है? अरे माँ रोज एक ही शर्ट पहनूंगा तो बांस मारेगा ना। ये अपना अशोक है कहाँ, दो तीन दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। पढ़ाई कर रहा होगा, छोड़ना यार। हाँ ये सेठ जी की बेटी है। आसमां भी नीला नीला हो रहा है, पीला पीला आग है ये शायद यारा तेरे प्यार की। फूल है बिछेरा हो में, रहती हो तुम आँखों में, चाह बस मुझे है जानम तेरे प्यार की। देखो जब तुझे एक पल को हर खुशी मिले मेरे दिल को, कर तू यकीन इस बात का, वक्त आ गया है प्यार का। शुरुआत है, शुरुआत ये प्यार की, शुरुआत है, शुरुआत ये प्यार की। क्या बात है भाई, आजकल हमसे मिलने के लिए नहीं आता। एग्जाम नजदीक आ रही है ना, स्पेशल क्लास है।
प्यार का जो घर है अपना, ताजमहल है ये अपना, मुमताज तू है मैं तेरा शाहजहां। सच है यही सच है यारा, प्यार से नहीं कुछ प्यारा, प्यार से है खुशियां सारी, प्यार से जहां। देखो जब तुझे एक पल को हर खुशी मिले मेरे दिल को, कर तू ये किस बात का, वक्त आ गया है प्यार का। वेरी गुड। अरे अरे बाप रे, कौन है? मेरे फ्रेंड्स हैं। देखने तो दो। हम दोनों को इस तरह बात करते हुए देखकर प्यार कर रहे हैं ऐसा समझेंगे तो? समझने दो ना। शुरुआत है, शुरुआत ये प्यार की, शुरुआत है, शुरुआत ये प्यार की, शुरुआत है, शुरुआत ये प्यार की, प्यार की कसम है प्यार की सनम, सूरत हसी प्यार की हो तुम, हुआ रे हुआ दिल दीवाना, यारा तेरे प्यार में। ये अशोक जब से कॉलेज जाने लग गया हमें तो भूल ही गया यार। हर दिन हमारे साथ रहने वाला, हफ्ता हुआ, हफ्ते से महीना हुआ और हमको मिल नहीं रहा। पढ़ाई कर रहा होगा, छोड़ ना यार। रविवार के दिन कोई पढ़ाई करता है क्या यार? कॉलेज के पास चल के देखा जाए क्या, अगर पुलिस को पता चल गया तो? चल ना यार, चल के देखते हैं क्या हुआ। हाँ यार चल, चलते हैं। क्या रे, यही तेरी स्पेशल क्लास है क्या? तुझे पढ़ाई करने भेजा तो किसी लड़की के पीछे घूम रहा है क्यों? अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, वो भी हमारी कॉलेज की है, फ्रेंड है, ऐसे ही पढ़ाई के बारे में हम बात कर रहे थे, बाकी और कोई बात नहीं है। लड़के नहीं मिले क्या दोस्ती करने के लिए? देख, फ्रेंड फ्रेंड की तरह होनी चाहिए, इसके अलावा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। अब अच्छा बताओ, कहीं चले क्या या फिर मैं पढ़ाई करूं? तू जाके पढ़ जा। ठीक है मैं चलता हूँ। क्या रे, मुझे तो लगता है कि हमसे कुछ छुपा रहा है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। वो लड़की किस घर की है पता लगाना होगा भाई। और तूने हमें धोखा दिया। अरे सुन, अरे मार के, अरे तुझे कॉलेज किसने भेजा? हमने तुझे पैसे किसने दिए? हमने, और तू हमी को धोखा दे रहा है? क्या कर रहा है? तेरी तो मार, मार दोगी भाई, मार और मार, पागल समझ रखा है? एक मिनट, अरे बात करेंगे, आ जा। अरे ऐसे ऐसे थोड़े होता है हमारे जैसा, औकात भूल गया भाई। क्या कर रहा है? मार, मार, क्या कर रहा है? अरे रुको यार, ऐसे क्यों कर रहा है? लड़की चाहिए तुझे, मैं बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं। छुपा क्यों रहा है तू अपने पीछे? चाहिए छोटी सी बस्ती से निकलकर ऑफिसर बनने के लिए कहा तो उसके होठों से होठ मिलाकर मजे कर रहे थे उसके साथ। मारना चाहता हूँ तुम लोग, मारना चाहता हूँ ना, मारो मारो मुझे, मारो मारो ना। अरे ए, आज बोल रहा हूँ सुन लो, ये बात एकदम सच है, मैं उसी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। जो उखाड़ा है वो उखाड़ सकता हूँ। गलती हो गई हमसे, पागल हो गए हो तुम लोग? छोड़ेंगे नहीं तुझे। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, सच कह रहा हूं, खत्म कर दूंगा इसे। क्या यार, दिमाग खराब हो गया।
बछड़ा जवान हो गया है, इसे खुला छोड़ के गलती कर दी। लड़की क्या मिली साला, हमें ही भूल गया। हाँ और देरी मत करो, एक घंटे में उसकी कहानी खत्म होनी चाहिए। ए जोगी, अनाप शराब बातें मत करो यार तुम लोग, वो तो बेचारा मासूम है, तुम लोग तो समझदार हो ना। किसे मासूम कह रहा है, वो बच्चे पैदा करने जा रहा है और तुझे मासूम कह रहा है? तो पैदा करने देना यार, उसकी किस्मत अच्छी थी। अरे उसे पास होना था तो पास हो गया, लड़की मिलने वाली थी लड़की मिल गई, हमारा ही दोस्त है, खुश रहने दो ना उसे। वो तो खुश हो जाएगा बेटा, लेकिन बाद में हमारे ऊपर ही डंडा चलाएगा। वो सेठ की बेटी से प्यार कर रहा है, सेठ को ये बात पता चली तो हम सब चोर हैं कहकर पुलिस के हवाले कर देगा, तो हम क्या कर लेंगे? वो तो उसी लड़की से प्यार और शादी करना चाहता है, सेठ तो पैसे वाला है, दामाद को छुड़ा लाएगा, आखिर हमें कौन छुड़ाने वाला है? वो लड़की उसके साथ शादी करके खेत में मेहनत मजदूरी करने आएगी, ऐसा मत समझना। वो बहुत पैसे वाली है, उसे खुजली है और इसे मिटाना है। ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता या 10 दिन उसका साथ दे सकती है वो, उसके बाद वो चली जाएगी और ये मजनू की औलाद जहर पीकर मर जाएगा। और उसकी विधवा माँ का ख्याल कौन रखेगा? हमारे बस्ती वाले मना कर रहे थे फिर भी पढ़ने के लिए भेजा, अब कुछ गलत हो गया तो हम लोगों के सामने कौन सा मुंह लेकर जाएंगे बताओ? तुम लोगों की बात सही है, मैं भी समझ गया यार, लेकिन उसने हमारे साथ ऐसा किया, हम भी उसके साथ ऐसा करें ये ठीक नहीं होगा। हमें जाकर एक बार उस लड़की से कहना होगा कि देखो बहन, ये सब ठीक नहीं हो रहा है, हमारा आपका रिश्ता बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सब बोलकर उसे समझाने की कोशिश तो करते हैं, हो सकता है बात बन जाए यार। क्यों सेठानी, कॉलेज में हमारे दोस्त के अलावा तुम्हें और कोई मर्द नहीं दिखाई दिया क्या? हमारा दोस्त ही चाहिए था तुझे टाइम पास करने के लिए। देखो बहन, चुप रहो ना यार तुम, बहन बोलो ना बहन, ऐसे ही छोड़ेंगे तो 6 महीनों में माँ बन जाएगी। सेठानी देखो, ये प्यार व्यार छोड़ दो, पढ़ना लिखना कॉलेज जाना बस यही काम है तुम्हारा। कह रहे तुझे इस दुनिया में और कोई मर्द नजर ही नहीं आया क्या? आखिरी बार कह रहा हूँ, दोबारा मेरे दोस्त के साथ दिखाई मत देना, नहीं तो तेरी सूरत बदसूरत बना दूंगा। सेठानी अगर हमारे इतना समझाने के बाद भी तुमने अपनी हरकतें नहीं बदली ना, तो हम इतने सारे लोग मिलकर एक घूंट पानी दिए बिना ही 15 दिन तक तेरे साथ रेप करेंगे। देखो तुम्हें उनके बारे में सोचकर डरने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर उनसे बात करूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। ए, चुप। भगवान के लिए मुझे चुप करो, प्लीज छोड़ दो, ये सब तुम क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे जाने दो। तुझे क्या लगा था कि हम लोग सिर्फ तुम्हें डराने के लिए धमकी दे रहे हैं? इस लड़की के अंदर बहुत ज्यादा ही जोश है भाइयों। तुझे क्या लगा उसको बता देने से हम डर जाएंगे क्या? अपन्ना, इसे माँ बना के तू इसके बच्चे का बाप बन जा। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वो सभी कुछ भी कर सकते हैं, नहीं नहीं, मैं उनसे बात करूंगा। चलो बताओ, मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ कहा आप लोगों ने? ओ, तो क्या वो इसकी पत्नी है, उसने इसे बता दिया और ये आकर पूछने लगा? ए, रेप करेंगे कहा था, क्या करेगा तू अभी? हाँ ऐसा मत करना, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया है, क्या कर लेगा तू? क्या रे, जाके अपने होने वाले ससुर को बताएगा, पुलिस को बताएगा या हम लोगों का मर्डर करेगा? चुप रहो यार अशोक, ये बात करने का टाइम नहीं है, तू जा, मैं बात करता हूं। अरे मैं क्यों जाऊं यहाँ से, जो करना है इनको करने दो, मैं भी देखता हूँ क्या करते हैं। हम क्या कर सकते हैं देखना चाहता है? उस दिन सिर्फ जुबान से बोला था, आज उसका रेप करके रहेंगे। मेरी गर्लफ्रेंड पर रेप करेगा? अभी दिखाओ ना, कितनी हिम्मत है, जाए यहाँ से। अगर उसी से शादी करके तुम लोगों को नहीं दिखाया ना, तो मेरा नाम भी अशोक नहीं। ए अशोक, तू कैसे शादी करता है, हम भी देखते हैं, जा। मैं भी देख लूंगा, जाओ यहाँ से। अगर तूने उससे शादी कर ली ना, तो मैं मूछ मुड़वा दूंगा अपनी। ए, चल जा निकल, तेरा चैलेंज स्वीकार है हमें। ए, ये जिंदा गैंग का चैलेंज है, समझ गया?
तुम्हारे गैंग को मैं भी चैलेंज देता हूँ। अरे वो जो भी कर रहा है उसे छोड़ो यार। ओए, छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब वो या हम देख लेंगे। देखो हम लोग एक ही गली के एक ही जात के एक ही प्लेट में खाना खाए हुए लोग हैं यार। अगर उसके साथ कुछ करेंगे तो लोग क्या कहेंगे यार, समझो ना। लेकिन वो समझ नहीं रहा ना, हमसे ज्यादा उसकी चिंता तुझे। ए, अपना दोस्त है, अपने साथ रहे, ऐसा हमें नहीं लगेगा क्या? ए देव, समय आने पर समझ जाएगा, छोड़ना यार। ए, नरसी नरसी नरसी, तेरी वजह से ही वो बर्बाद हो गया है। हमारी कोई बात उसके दिमाग में घुसती नहीं है। लो लो की बीमारी लग गई है उसको। आखिर अपने दोस्त को भी हमने उस सेठ की दुकान पे गिरवी रख दिया। मैंने किसी को नहीं रखा भाई, इस नरसी ने ही रखा है। नहीं भाई, इसने ही उसे गिरवी रख लिया है। अबे सबर तो तू ही कर रहा है ना साले। ए, हमने आज पता है इतनी क्यों भी रखी है? पता लव नहीं का यार। दर्द है। लव। उन दोनों को लव हो गया है और हमें हो रहा है। पता नहीं क्यों। सीधा साधा लड़का था वो, प्यार में बेकार हुआ। उसकी वजह से अच्छा खासा काम का था दिल, अब बेकाम हुआ। उसकी वजह से प्यार हुआ उसको, दर्द हुआ हमको। प्यार हुआ उसको, दर्द हुआ हमको। उसको कहीं भी आए ना चैन, साथ उसके हम भी जाग जाग काटे रैन। हरे 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 हरे। उसको कहीं भी आए ना चैन, साथ उसके हम भी जाग जाग काटे रैन। खाना पीना यारों सभी भूल गया रे, सोना वोना यारों सभी भूल गया रे। उसकी वजह से हाँ हाँ हमें भूल गया। प्यार हुआ उसको, दर्द हुआ हमको। प्यार हुआ उसको, दर्द हुआ हमको। सीधा साधा लड़का था वो, प्यार में बेकार हुआ। उसकी वजह से प्यार का चढ़ा कुछ ऐसा नशा, भूल गया जीने का सारा मजा। प्यार का चढ़ा कुछ ऐसा नशा, भूल गया जीने का सारा मजा। वशीकरण मंत्र से वो मन मोहिनी, वश में की ऐसे जैसे कोई जोगिनी। जैसे जोगिनी हाँ हाँ जोगिनी। प्यार हुआ उसको, दर्द हुआ हमको। प्यार हुआ उसको, दर्द हुआ हमको। सीधा साधा लड़का था वो, प्यार में बेकार हुआ। उसकी वजह से अच्छा खासा काम का था दिल, अब बेकाम हुआ। उसकी वजह से अपने रिश्तेदार का घर आ गया यार।
ए, कौन है जिसने मेरे दरवाजे पे पत्थर मारा है? कौन है? ए, इतनी रात को धंधा नहीं करता हूँ, जाओ सवेरे आना। अब तू जो रात में कर रहा है वो धंधा नहीं है क्या? अरे पीकर इतनी बेकी बातें क्यों कर रहे हो? सेठ, इतने दिन से गिरवी रखने का धंधा कर रहा है और अब तू अपनी बेटी को ही गिरवी रखने लग गया। सेठ देखो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को बुलाओगे तो क्या हम डर जाएंगे? हाँ, बुला, 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 बुला। अपनी बेटी को हमारे दोस्त के पीछे लगवा दिया और अब तू नाटक कर रहा है? हा? मेरी बेटी का कैरेक्टर ऐसा नहीं है, सोना सोने की तरह है वो, इसीलिए तो कह रहे हैं उस सोने को हिफाजत से अपने घर में रखना चाहिए, बाहर अगर छोड़ दिया तो लावे में डालकर पिघला दूंगा। चलता हूँ सेठ जी। क्या बेटी, ये लव वाव क्या बोल रहा था? नहीं पापा, अब वो कौन है मैं बिल्कुल नहीं जानती, वो होगा कोई शराबी। हाँ शराबी तो है, पर डपोरी भी बड़ा है, कमाने की औकात तो इनकी है नहीं, बस यहाँ वहाँ चोरी करते रहते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। चोर लोग हैं ये। अच्छा तो तुम्हारे पापा के कहते ही तुमने यकीन कर लिया? वो सभी मेरे ही बस्ती के हैं, मेरे ही दोस्त हैं, लेकिन मैं उनके साथ ज्यादा मिलता नहीं था। मेरे पापा नहीं है ना, सिर्फ मेरी माँ है, और माँ को खुश रखने के लिए मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है। वो हमेशा बुरे काम के लिए मुझे बुलाते थे लेकिन मैं जाता नहीं था, और उस ग्रुप में पास होने वाला मैं अकेला ही हूं। अब तुम भी मिल गई हो ना मुझे, ये सब देखकर उन्हें जलन हो रही है। मेरा यकीन करो शीतल, माँ और तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तुम्हें छोड़कर मैं जी नहीं सकता शीतल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सुनो, हम हमारी सुरक्षा के लिए एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इन्हें ऐसे ही बुलाकर डराइए कहकर एक कंप्लेंट दे देंगे, और वैसे भी लड़कियों की कंप्लेंट तो बहुत ही स्ट्रांग होती है। कल कहीं कुछ दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी ना? ऐसा कुछ नहीं होगा शीतल। ये कौन है और इसका नाम क्या है, पता है? वो मुझे पता है सर। वो कैसे? ये सभी मेरे साथ रहते थे, मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन इस मामले में ये लोग ऐसा कर रहे हैं। उनका नाम? देवप्पा, अपन्ना, इंद्रा, नरसैया, जोगी सर। एक बार वार्निंग दे दीजिए सर, काफी होगा। कंप्लेंट मिलने के बाद हमें क्या करना है हमें पता है, तुम लोग जाओ। ठीक है सर। बाप रे, बीता हुआ कुछ भी याद नहीं आया। नादान लड़के का कंप्लेन लेकर आप क्या करेंगे सर, छोड़िए उनको। अरे
बिना पानी दिए रेप करोगे कमीनों? 15 दिनों तक रेप करोगे तुम लोग कमीनों? चंद्रप्पा जी साहब जी, वजन बांधो, ताकत देखते हैं इनकी। औरतों के सामने मर्दानगी दिखाते हो तुम लोग? चंद्रप्पा साहब जी, चर्बी पिघलानी है इनकी। माँ को पुकारने के लिए सिर्फ बाप की जरूरत पड़ती है, बापों की नहीं। तुम्हें बाप चाहिए या बाप लोग? चंद्रप्पा साहब जी, ये सब मर जाएंगे साहब जी। आज रात इन्हें एक घूंट पानी भी मत देना। जी साहब जी। क्या रे नंगे पहलवानों, जंगली शेर के सामने बीन बजाने से क्या मिलेगा बे तुम लोगों को? हमारे साहब को अभी तुम लोग जानते नहीं हो, अगरबत्ती लगाने को बोलो तो पूरे गांव में आग लगा के आ जाते हैं वो। कम से कम आज के बाद तो सुधर जाओ तुम लोग। धिक्कार है, धिक्कार है, पुलिस पर धिक्कार है, पुलिस पर धिक्कार है, पुलिस पर धिक्कार है, धिक्कार है, पुलिस पर धिक्कार है। साहब जी, साहब जी, अगर हम बाहर गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी साहब। आप थोड़ा शांति रखिए साहब जी, मैं बात करके आता हूँ उनसे। क्या है तुम लोगों का? आगे एक भी शब्द बोले तो मुंडी उड़ा दूंगा। हमारे लड़कों को तुम्हारा साहब क्यों लेकर आया है? क्या मासूम लड़कों को अंदर करके हीरो बनना चाहता है तुम्हारा साहब? शराफत से हमारे बच्चों को छोड़ोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो हम आपको देख लेंगे। हमारे बच्चों को सामने लाओ। साहब के आने तक थोड़ा तो रुको। वो आने तक हम इंतजार करेंगे क्या? हाँ बोलो। हमारी बस्ती के डर से 10 मील दूर रहने वाले हम पे अत्याचार करने पे तुले हुए हैं। सबसे पहले तो हमारे बच्चों को छोड़ो और इस गाँव से दूर चले जाओ, नहीं तो धिक्कार है, धिक्कार है। इस गांव की प्रतिष्ठा को तेरे साहब ने बिगाड़ दिया है, बाहर निकालो उसे। ए, ये देखो कैसे डंडा हिलाता हुआ आ रहा है। ये बाहर भीड़ कैसी है? सर कंप्लेंट आई थी तो अरेस्ट किया इन्हें, इतना ही सर। लेकिन ये कैसी कंप्लेंट है? बेकार की कंप्लेंट, छोड़ दो इन सबको। क्या है ये, एक के बाद एक आ रहा है और अंदर घुसता ही चला जा रहा है। अरे आनंद ये सब क्या नॉनसेंस है? सर कंप्लेंट आई थी तो अरेस्ट किया, बस इतना ही सर। देखो मधुमक्खी के घर में हाथ डालने से पहले वो कौन सी जात की मधुमक्खी है जान के हाथ डालना होगा, नहीं तो ऐसा ही होगा। सर कंप्लेंट है सर, इसलिए। ये क्या है कंप्लेंट, है नॉनसेंस कंप्लेंट, छोड़ दो उन्हें, जाओ। सर कंप्लेंट, मिस्टर आनंद यू आर ए सिंसियर ऑफिसर आई नो दैट, बट ये सब छोड़ो और दूसरे केस पे ध्यान दो। ए चंद्रप्पा चलो मेरे साथ। दोनों तरफ से जल रहा है यार, मेरा तो कुछ निकल ही नहीं रहा यार, लगता है भूख लग गई है। अरे अरे जोगी आओ। बाप को बाप लोग कह दिया ना, इन सब के पीछे वो सेठ की बेटी और वो कमीना है। जो हो गया छोड़ो यार। क्या छोड़े यार, अब तो शुरू हो गया, अब दुश्मनी शुरू। कमीने ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दिया यार, अब तो या वो रहेगा या हम रहेंगे पास। यही कहा ना, कम से कम चोर तो नहीं बोला उसने। बता देता तो वो भी फंस जाता और उसे खरीदने वाला वो सेठ भी फंस जाता। दोनों ने बहुत सोच समझ के कंप्लेंट किए यार। अगर हम लोगों ने उस पुलिस वाले को सबक नहीं सिखाया तो वो यहाँ से जाने तक हमारी धुलाई करता रहेगा। हमें जख्म देने वाले उस इंसान को जब तक हम गहरा जख्म नहीं देंगे हमें चैन नहीं मिलेगा, बाद में दोनों को भी देख लेंगे। ऐसा मत करो यार, मेरी बात सुनो तुम लोग। नरसी तुझे आना है तो आ, नहीं तो चुपचाप यहाँ से चला जा। ठीक है यार, अब क्या करने वाले हो तुम लोग? Thank you.
साला बच गया। मैंने कहा था ना पागल कहीं के, सफेद धागा दिखाई देगा तू काला बांध। धागा ठीक से बांधा होता ना तो गला कट से कट जाता यार। लगता है ये सब हमारे भले के लिए हुआ है यार। यार इस बात को यही भूल जाते हैं भाई। अबे भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। क्या हाँ। उसे डर का एहसास करवाने के लिए उसके घर में घुसना होगा। हेलो हर्षिता अभी तक घर नहीं आई है। 5:30 हो गए हैं। 4:30 बजे आ जाना चाहिए था। मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है वैसे तुम घबराओ मत, मैं कॉन्वेंट से देख कर आता हूँ। चंद्रपाल साहब जी मेरी बेटी कॉन्वेंट से अभी तक घर नहीं लौटी है, मैं जरा देख कर आता हूँ। आप जाइए आप जाइए। चंद्रपाल साहब जी मेरी बेटी कॉन्वेंट के पास भी नहीं है। साहब जी कल आपके ऊपर जानलेवा हमला होते होते रह गया, हो सकता है ये काम उन्हीं लोगों का हो। नहीं छोड़ूंगा उन कमीनों को। साहब जी ऐसा मत कीजिए साहब जी, वो कहते हैं कि आप करना कुछ चाहते हैं लेकिन हो कुछ जाता है, ऐसा कुछ मत कीजिए साहब जी। आप आराम से घर जाइए, मैं एक चक्कर लगाता हूँ और पता करके आता हूँ। बेटी अब तक आराम से इसे भी उतार लो। बाय बाय पापा। ए लड़की, ए लड़की जरा यहाँ ना। क्या मैं? हाँ यहाँ आओ जरा। क्या है? तुम्हारे पापा पुलिस ऑफिसर आनंद कुमार है ना? जी हाँ। तो वो बाहर खड़े हुए हैं, तुम्हें आने के लिए कहा है। चलो आओ मेरे साथ। अभी अभी तो छोड़कर गए हैं। तभी तो उन्होंने कहा है कि जल्दी बुला कर लाओ, आओ मेरे साथ। ठीक है आओ बेटी। तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? कुछ नहीं किया माँ, बस बिठा कर रखा था। डर का एहसास हुआ ना साहब? डर तो लगा ही होगा ना, ये डर हमेशा बरकरार रहना चाहिए। हमने कौन सी गलती की है साहब जी? उस चंदन तस्कर वीरप्पन ने जिस तरह से एक एक पुलिस वालों की हत्या की थी साहब जी, हमने कोई ऐसा कांड किया है क्या? या फिर हम लोगों ने चरस गांजे की स्मगलिंग की है? ये तो सैंपल था, दोबारा हमारे बारे में हमारी बस्ती के बारे में टांग अड़ाई तो हमारे जात वाले सभी मिलकर जंग का ऐलान कर देंगे, खून की नदियां बह जाएंगे साहब। मैं पुलिस हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, ये बात आप भूल जाइए सर। हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा मत सोचिएगा साहब, हम कुछ भी कर सकते हैं। बिजली का तार भी मेरी तरह पतला होता है, टच करते ही इंसान ऊपर पहुँच जाता है। हम इस गांव में मरेंगे तो हमें 6x3 की जगह जरूर मिलेगी, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगी। अपने दायरे में रहना, उड़ मत। महादेव जी के दर्शन करके आराम से चले जाना। बेटी बुलाने का हक सिर्फ बाप को है साहब, सारे मर्द बेटी का कर बुलाएंगे तो मतलब कुछ और हो जाएगा। साहब जी दोबारा हमारी बस्ती की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना,
तो बेटी छोटी है, हम उसे बड़ी बना देंगे। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, आपके नाम से कंप्लेन कर दी थी, मैं क्या करूं मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। छोड़िए ना, ऐसे समय में इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। बताइए मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हम दोनों ने मिलकर शादी करने का फैसला किया है। देखो हमारे बीच झगड़े तो बहुत हुए हैं, लेकिन आखिरकार तुम सब लोग हो तो मेरे दोस्त ही ना, शीतल का भी कोई दोस्त नहीं है। हम दोनों अनाथों की तरह शादी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप सभी मिलकर शादी करवा देंगे तो हम दोनों ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। हे, पागल हो गया क्या तू? इतना कुछ होने के बाद भी वो तुम दोनों की शादी करवाएंगे क्या? तुम दोनों को सही सलामत छोड़ेंगे? एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुनो तुम दोनों, ये प्यार व्यार ये सब तुम लोग छोड़ो और चुपचाप पढ़ाई पूरी करो अपनी। भैया मैं इनके बिना नहीं रह सकती। भैया चाहे तो मैं आकर उनसे बात करता हूँ यार। मैं उनसे माफी मांग लूंगी भैया। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना। आपको वहाँ आने की जरूरत नहीं है, टाइम देख करके मैं खुद ही बात कर लूंगा, लेकिन तब तक तुम दोनों को उनसे बच कर रहना होगा। सावन की बलती में लग गई आग। दो तीन दिन से तू दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया था? पिताजी ने कुछ काम से भेजा था यार, वहीं गया था। अरे सुनो यार, तुम लोगों से एक बात बतानी थी, तुम लोग सुनना चाहोगे क्या? वो क्या है बोलना। अशोक और उस लड़की ने दोनों ने मिलकर शादी करने का फैसला कर लिया है। तुझे कैसे पता? उन दोनों ने मुझसे बात की है यार, और बोला कि भैया गलती हो गई, हम दोनों की शादी करा दो, बहुत मेहरबानी होगी। ओहो हो, उसने तुझे भैया कहा और तू पिघल भी गया? हमारे और उनके बीच में सीढ़ी बन के आया है। उसने तुझे भैया कह के बुलाया और तू पिघल गया? उसने हमारे साथ क्या किया भूल गया तू? शादी नहीं, उसे जिंदा जला देंगे। उसे उस लड़की को छोड़ना पड़ेगा, वरना दोनों की जान जाएगी। यही हमारा आखिरी फैसला है। उस पुलिस वाले की तो बोलती बंद कर दी है, अब उन दोनों की सांसें रोक देंगे हम। अरे लानत है तुम लोगों की सोच पर यार, कैसे दोस्त हो यार तुम लोग। अरे दोस्त का मतलब उसके लिए जान दे देना होता है, और तुम लोग उसकी जान लेने पे तुले हुए हो। आखिर उसने ऐसा किया क्या है भाई? प्यार किया है वो गलत है क्या? शादी करना चाहता है वो गलत है क्या? अरे हम लोगों को एक साथ मिलकर उसके रास्ते में आने वाली मुश्किलों से लड़कर उसकी शादी करानी चाहिए, तब हम उसके दोस्त कहलाएंगे। तुम लोग तो उसके खून कैसे प्यासे हो रहे हो, जैसे जन्मों जन्मों का दुश्मन हो तुम्हारा। कैसे दोस्त हो तुम लोग, लाना तो तुम्हारी दोस्ती पर। थू, किसी लायक नहीं हो तुम लोग। क्यों बे, हमारे साथ रहकर हमें सपोर्ट करना छोड़कर तू उस कमीने का सपोर्ट कर रहा है? मेरे ऊपर हाथ उठाया तूने? मत भूल कि मैं भी मार सकता हूँ। हमारे साथ रह के हमारे साथ धोखेबाजी कर रहा है तू? हम भी देखते हैं वो कैसे शादी करता है, जा बोल दे। अरे उनकी शादी मैं खुद खड़े होकर के कराऊंगा, तुम लोगों में हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ, मैं भी देखता हूँ तुम लोगों की शादी करवाएंगे। हर साले कमीने, चलो रे। हेलो सर, मैं सरकारी हॉस्पिटल से डॉक्टर बात कर रहा हूँ। एक पेशेंट को पेशाब की जगह किसी ने बुरी तरह से मार दिया है, राह चलने वालों ने उसे लाकर यहाँ पर एडमिट करा है, इलाज के समय ही उसकी मौत हो गई सर। नाम क्या है इसका? नरसी। नरसी, उम्र कितनी है? 30 साल। अरे
और कहाँ कहाँ लगी है यहाँ पे। अच्छा क्या हो गया अगर हम मैयत में शामिल नहीं होंगे तो सबको शक हो जाएगा कि हमने ही किया है। चल चलते हैं, आजा। किसी को पता तो नहीं चला होगा ना कि हमने इसे मारा है? अगर पता चल गया होता तो पुलिस वाले हमें अब तक अंदर कर देते। यार मुझे बहुत डर लग रहा है यार। दफन कर लेने के बाद 2-3 दिन तक अपनी दीदी के घर चले जाते हैं यार। नरसी क्या सोच रहे हो तुम? हाँ कुछ नहीं, लगता है हमारी शादी के बाद उन्हें पता कि हमने गलती कर दी। उन्हें पसंद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ हम क्यों ना उस इंस्पेक्टर की मदद ले लें। तुम्हारी बात सही है, मैं खुद जाकर बात करता हूँ। कौन है? मेरे बेटे को किसने मारा ये पता लगाया क्या? मैं कोशिश कर रहा हूँ। तू वो तो हम भी देख रहे हैं कि तुम कितनी कोशिश कर रहे हो। आज मेरे बेटे को गए हुए 2 दिन हो गए हैं और आप यहाँ बैठे बैठे कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे बेटे का दर्द इन सबको कैसे होगा? मेहनत करने वाला जानता है कि दर्द क्या होता है। ए, पुलिस वालो, पता नहीं लगा सकते तो जाके नाई का काम करो जाओ। ए, अगर 3 दिन के अंदर ये पता नहीं चलाना कि उसे किसने मारा है तो तुझे और तेरे इस ऑफिस को गांव से बाहर फेंक देंगे। सुनो, मरने वाले के शाम के दिन खूनी को खत्म करना होगा, नहीं तो तेरे घर काम करा देंगे। पर्सनल बात करना चाहते थे क्या? है वो किसी बहुत बड़े गुंडे मामले के बारे में बताना चाहते हो क्या? नरसैया को किसने मारा है मैं जानता हूँ सर। नरसी क्या हुआ यार? अशोक, मैंने उनसे कहा शादी के लिए तो बहुत मारा मुझे उन्होंने, उस देवा ने मुझे ऐसा मारा है कि बचना बहुत मुश्किल है मेरा। हॉस्पिटल में देखने गया तो मुझे उसने सब कुछ बता दिया सर। अब हम क्या करें चंद्रप्पा? क्या करना है साहब जी, मारने वाले कौन है ये पता चल चुका है, गवाह भी मिल गया है। FIR करके अरेस्ट करते हैं, फिर कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, फिर जो होगा उसका नसीब। इन नालायक कमीने गांव वालों से आप क्यों गाली सुनेंगे साहब, आप बताइए। ये गलत हो जाएगा चंद्रप्पा, ये उससे प्यार करता है ये जानते हुए भी उस लड़की से रेप करने की धमकी दी है उन्होंने। वो इनके प्यार को सपोर्ट कर रहा था इसलिए अपने ही दोस्त को मार दिया। ऐसे में उन्हें जब पता चलेगा कि उन्होंने जो उस लड़के का खून किया है उसका आई विटनेस ये है तो वो लोग इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। सर ऐसा कुछ हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था सर, ऐसे ही मेरे जुबान से ये निकल गया था। किसी भी तरह मुझे और शीतल को बचा लीजिए सर, बचा लीजिए सर,
दया करके बचा लीजिए सर। सर सर तुम अब ये बात किसी और को नहीं बताओगे। ठीक है सर। कुछ दिनों के लिए तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ, मैं बुलाऊंगा तो आ जाना। सर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है सर, इस गांव को छोड़कर मैं कहां जाऊं? चंद्रपा जी, साहब जी, इसे हमारे पुलिस स्टेशन के गोडाउन में छिपा कर रखो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हमारे स्टाफ को भी नहीं। ठीक है साहब जी, तुम घर पे क्या बोलकर आओगे? कॉलेज की ट्रिप है, ऐसा बता दूंगा। चलो भाई, आराम से रहने के लिए जगह बहुत सेफ है, बैठ जाओ यहीं। सर मैं एक बार शीतल से बात करना चाहता हूँ। अरे क्या चिंता करते हो, लेटर लिख देना, तुम दोनों के प्यार के बीच में मैं पोस्टमैन का काम करूंगा। अभी जाओ, आराम करो। चलता हूँ मैं। अरे अरे साले साहब, अचानक यहाँ? हाँ। अरे सुनो, देखो तो कौन आया है। आती हूँ। आ रही है तुम्हारी दीदी। इंद्रा, ठीक हो ना तुम? हाँ मैं अच्छा हूँ। बाकी सब लोग कैसे हैं भैया? सब लोग अच्छे हैं दीदी। तू अचानक से ऐसे क्यों आ गया? अरे खाली सवाल जवाब करती रहोगी, भाई आया है, अंदर तो ले जाओ उसको। अच्छा है, कैसा है, ऐसा कहकर घर के बाहर बात करते हैं क्या? अंदर ले जाओ, जाओ। देशी मुर्गी कटवा कर लाने जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से ले आइए, एकदम स्पेशल बनाना। बहुत दिनों बाद मेरा साला जो आया है। चलो तुम सब लोग जाओ और हाथ मुँह पैर धो कर आओ, जाओ। रमा दीदी, ये सब तुम्हारे पास संभाल के रखना, वो मेरा भाई आया है ना, उसके लक्षण ठीक नहीं है, वो जब चला जाएगा ना तो मैं आकर ले जाऊंगी, संभाल कर रखना। रुकना जरा, एक नींबू तोड़ लेता हूं। तोड़ मत यार, ये क्या कर रहा है? मुर्गी के साथ नींबू खाने में मजा आ जाएगा। चलो यार चलते हैं। क्यों यार, क्या हुआ? खाना खा के चलते हैं ना? हाँ यार, बहुत भूख लगी है मुझे। इज्जतदार लोगों के घर में चोरों को खाना नहीं खाना चाहिए यार, सेहत नहीं बनती। चलो चलते हैं यार, चलो चलो चलो। क्या हो गया इसे? इंद्रा, ए इंद्रा रुक तो, इंद्रा। क्यों रे, बिना बताए कहाँ जा रहा है? मुर्गी का सालन बनाया है, आकर खा लो तुम लोग। निवाला उठाने के लिए हाथ गंदे हैं, खाने के लिए जुबान गंदी है, ऐसा खाना मेरे किस काम का दीदी? नहीं भैया, हम चोर हैं, मैं मानता हूँ। तुझे तेरे पति के घर भेजने के लिए मैंने चोरी की, ये सच है। तूने कैसे सोचा तेरे घर में भी मैं चोरी करूंगा? तुम अपने पति के घर में खुश रहो, जाओ दीदी जाओ। इंद्रा चल यार। इंद्रा, इंद्रा मेरी बात तो सुन। साहब जी, मेरे बेटे को किसने मारा ये पता चला क्या? पता चला। वो कौन है साहब? अपना इंद्रा जोगी देवा। साहब जी, उसके दोस्तों ने ही मेरे बेटे को। हाँ, अशोक नाम के एक लड़के का किसी लड़की से प्यार था, उसको तुम्हारा बेटा सपोर्ट कर रहा था, ये उन्हें गवारा नहीं था। उनके साथ रहकर आपका बेटा उन्हें सपोर्ट कर रहा था, ये बात उन्हें हजम नहीं हुई और बात झगड़े तक पहुंच गई। फिर देवप्पा ने आपके बेटे के प्राइवेट जगह पर हमला कर उसकी जान ले ली। साहब जी, एक ही थाली में खाना खाते थे वो लोग, मेरे बेटे की लाश के सामने सर पटक पटक कर रो रहे थे। वो सारा नाटक तो बस इसलिए था कि किसी को शक न हो। अब अगर आप हाँ कहेंगे तो अरेस्ट करके उन्हें कोर्ट भेज दूंगा। कोर्ट भेजने के बाद वहाँ क्या क्या हो सकता है वो बताता हूँ। नाक पे मारने वाले बी पार्टी को होगी 2 महीने की जेल, कत्ल करने वाले ए पार्टी को 3 महीने की जेल, 3,000 देकर बेल ले लेंगे, उसके बाद वो आराम से कहीं भी घूम फिर सकते हैं। तो अब बताइए मैं क्या करूँ? साहब जी, जान की कीमत सिर्फ 3,000 रुपए? यही है कानून। हाँ तो मैं भी उस देवा को मार करके 3,000 देकर बाहर आ जाऊंगा। तो पहले यही काम करो, किसी को बिना पता चले घात लगाकर लाश की शक्ल बिगाड़ कर उसे किसी गंदे नाली में फेंक दो। जब केस आएगा तो मैं देखूंगा।
ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी, इसी में आपकी भलाई है। ओए सुनना, ओए मारने वाला कौन है अभी तक पता नहीं चला यार। पता चलता है तो अब तक पुलिस वाले हमारी धुलाई कर देते, अब अगर हम उसकी श्राद्ध में नहीं जाएंगे तो लोग हम पे शक करने लगेंगे। चल चलते हैं यार। चल यार। आजा आजा। क्या हुआ बेटा, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था चाचा, इसलिए कहीं दूर चले गए थे। खाना बहुत अच्छा बना है। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अरे ले लेना यार, क्या दिक्कत है। अरे बस 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 चाची, बस बस बस, बहुत अच्छा बना है चाची। बहुत अच्छा बना है, बहुत बढ़िया। अरे बस बस, ए पेट भर के खा। बस बस करो ना। क्या बस बस कह रहा है, मेरा बेटा होता तो 4 चम्मच और खा जाता। ठीक है। अरे बस खाओ खाओ। हाँ ठीक है। मस्त है। अरे चाची ने बड़े प्यार से बनाया है, खा ले खा ले, पेट भर के खा। मैंने तुझे देखा, तूने मुझे देखा, फिर हम दोनों। चलो रे खेत में पानी की नहर बांध के आते हैं, चलो। ए श्राद्ध का खाना खा के कोई बाहर जाता है क्या? बाहर मत जा, भूत प्रेत लग जाएगा तुझे। ए मुझे भूत वूत नहीं लगेगा, चल मैं ही सबसे बड़ा भूत हूँ। कल बांधते ना यार, छोड़। अरे कल बाजूला शंकर बांधेगा यार। मैं तो नहीं जा सकता यार, आज मैंने इतना खा लिया है कि मेरा पेट फटा जा रहा है। तुझे जाना है तो जा। ठीक है जाने दे, मैं अकेला चला जाता हूँ। दाता तू ही, दाता तू ही, सब का तू ही दाता, कर दया कर दया, हम पे तू कर दया। ए कौन हो तुम लोग, ए कौन हो, कौन है रे? ए कौन है, कौन हो तुम सब? हाँ कौन हो तुम लोग? अरे बोलते क्यों नहीं? हाँ मार डालूंगा सबको पकड़ के मैं। ए, ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? ए नजदीक बताओ। ए, ए रुक रुक बोला ना। ए नजदीक बताओ मेरे। ए, 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 तेरी। भैया तुम, दीदी तुम। मेरे बेटे को मार डाला, उसने कौन सा गुनाह किया था, कौन सा गुनाह किया था उसने? मैंने कुछ नहीं किया भैया, नहीं मैंने कुछ नहीं किया भैया। मेरे बेटे को चांद से मार दिया, कौन सा गुनाह किया था उसने बता? क्यों मारा तूने उसे? तुझे इसकी सजा मिलेगी। मैंने कुछ नहीं किया दीदी, दीदी मैंने जानबूझ के नहीं किया दीदी। तूने ही मेरे बेटे को मारा है। कहाँ यार वो, पानी बांधने गया था, आया नहीं अभी तक। आ जाएगा यार, तालाब की तरफ गया होगा। ये अशोक कहाँ है यार, दिखाई नहीं दे रहा है। उस लड़की के साथ भाग तो नहीं गया वो? ए चल यार कॉलेज के पास चल के देखते हैं।
ए, कहां चला गया यार? उसका बाप तो यहीं बैठा हुआ है। चल पूछते हैं। क्या हुआ बेटा? अपना देवा दो तीन दिन से दिखाई नहीं दे रहा है, कहां गया है? हमें तो लगा है कि आपने उसे गांव से बाहर कहीं भेजा। अरे अगर जाता तो तुम्हें बता के जाता ना। चाहे कुछ भी हो, पुलिस स्टेशन जाकर उसके नाम एक कंप्लेंट जरूर लिखवा देना। अरे नहीं भैया, नरसैया को किसने मारा ये तो पता नहीं चला अब तक, अब मुझे ढूंढ के देंगे क्या? वो लोग पुलिस स्टेशन जाते और जाकर सच पूछते क्या है तो पता चलता ना। जाने वाले तो चला गया, मरने वाले से हमें क्या मतलब कहकर वो लोग तो जाना भी छोड़ दिए और पूछना भी छोड़ दिए। तुम उन लोगों की तरह कभी मत बनना, कुछ भी हो तुम दोनों पुलिस स्टेशन जाकर एक कंप्लेंट देकर आना। हाँ राधा, वो लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेहतर होगा पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता दें। मौसी, मौसी क्या है बोलो? अशोक कहाँ है? मौसी दिखाई नहीं दे रहा है। कॉलेज में कोई ट्रिप है, वहीं गया हुआ है। ट्रिप कैसा? ए, लवर को छोड़ के वो अकेले चला गया क्या? सेठ तो पाई पाई का हिसाब रखने वाला इंसान है, वो हजारों रुपए खर्च करेगा क्या? तेरी बात भी सही है, चला जा चलते। चल यार। अरे सुनो लड़की, जरा इधर आओ। सर आप यहाँ कैसे? किसी से मिलने आए हैं? अरे नहीं, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, ये लो लेटर। ये क्या है सर? अशोक ने दिया है, तुम्हें देने के लिए मुझसे कहा था उसने। पर वो कहाँ है सर? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? उसे कुछ नहीं हुआ, वो आराम से है, तुम्हारी यादों में खोया हुआ है। ये छोटी मोटी परेशानी खत्म होने तक तुम दोनों को ऐसे ही रहना होगा। एक अच्छा दिन देखकर हमारे साहब और मैं मिलकर तुम्हारी शादी बहुत जल्द करवा देंगे। तब तक तुम दोनों की प्रेम कहानी इसी तरह पत्रों के जरिए आगे बढ़ेगी। अब मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। ठीक है सर। सनम सूरत हसी प्यार की हो तुम, हुआ रे हुआ दिल दीवाना, यारा तेरे प्यार में। शुरुआत है शुरुआत ये प्यार की, शुरुआत है शुरुआत ये प्यार की, शुरुआत है शुरुआत है प्यार की। पारो पारो, क्या हुआ? इतने दिन तक कहाँ थे? देवा यहाँ आया था क्या? आप लोग आते हो तो 6-7 लोग साथ में आते हो, वो यहाँ नहीं आया था। यहाँ नहीं आया? कहाँ चला गया होगा वो? चंद्रप्पा जी साहब जी, बेटा नहीं मिल रहा है, ये कंप्लेंट दी थी ना उन्होंने? वही उस देवा के माँ बाप ने। बिना किसी को पता चले उन्हें वहां लेकर आओ। कहाँ पे साहब? हमारा बेटा मिला क्या साहब? आप में से किसी को तैरना आता है? मुझे आता है सर। तो इसमें कूद कर देखो, मिल जाएगा साहब। क्या ये क्या कह रहे हैं साहब? आपके बेटे को मारकर नाली में फेंके 15 दिन हो चुके हैं, अब तक तो उसकी लाश को पानी के जीवों ने खा भी लिया। देवा, 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 देवा। साहब जी, किसने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया साहब जी? जोगी ने। जोगी ने? ये क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? दोनों एक माँ के बच्चों की तरह थे साहब जी। तरह थे, एक माँ के बच्चे नहीं थे ना? मेरी समझ में नहीं आ रहा है साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? अशोक नाम का एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था,
और आपका बेटा उन्हें सपोर्ट करता था, बाकी उसके खिलाफ थे। चूंकि आपका बेटा उनके प्यार को सपोर्ट करता था, इसी वजह से उनमें आपस में काफी लड़ाई झगड़ा हुआ। इस बात को दिल में रखकर जोगी ने जिद पूरी करने के लिए रातों रात आपके बेटे को मारकर नाली में फेंक दिया। वही आपके बेटे का हत्यारा है, इस बात का कोई सबूत नहीं। शक की बुनियाद पर यदि अरेस्ट किया तो केस नहीं बनेगा। नरसैया की मौत का इससे कोई संबंध नहीं है। नरसैया की मौत धंधे वाली के घर में हुई। ये बताइए, मर्द कहलाने वाला मर्द प्राइवेट हिस्से में मारकर जान लेता है क्या? हा? इतनी कहानी पता चलने के बाद अशोक की माँ अपने बेटे को बचाने में कामयाब हो गई। अब आप बताइए, जोगी को झोली में डालकर सुलाइएगा या फिर उसकी मदद कीजिएगा? खून, खून का बदला खून साहब, खून का बदला खून। ले लो, सही वक्त पर ले लो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। देखो, रात को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बहुत अच्छी नींद आती है, शैतान की नींद कहते हैं उसे। उन 2 घंटों के समय में उसे मारकर खत्म कर दो, लाश को भूसे में डालकर आग लगा दो और इस केस को मैं क्लोज कर दूंगा। ये बात अगर हमारे बीच रहे तो बेहतर है, नहीं तो तुम अपने पाँव में खुद ही कुल्हाड़ी मार लोगे। काले पूजा के दिन इंसान की बलि चढ़ाऊंगी साहब। उसकी बलि हम जरूर देंगे साहब। जोगी, वहाँ इंदिरा पीकर पड़ा हुआ है, उसे लेकर आते हैं। चल जाना। अरे ऐसा क्यों कह रहा है, चलना मेरे एक से नहीं होगा। जाना, चल छोड़ना, चल उठ। अरे क्यों परेशान कर रहा है, आना, चल मार डालूंगा मैं तुझे। चल, कहाँ है वो? अरे खेत में बेहोश पड़ा है। इतनी दूर जाके बेहोश होने की क्या जरूरत है? है कहाँ यार, थोड़ी दूर है। ये सब कह के कितनी दूर लेके चला आया तू मुझे? रोक, मुझे पेशाब करना है। क्या रे, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है वो? खत्म कर दो। उठाओ, जल्दी करो, जल्दी चलाओ इसे। Thank you.
बीच कहीं के तूने मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बेटे ने तेरा क्यों बिगाड़ा? दीदी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। जोगी को मैंने नहीं मारा है भैया, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया भैया, छोड़ दो मुझे भैया। अरे दीदी, एक ही थाली में खाना खाकर तूने मेरे बेटे को मार डाला, शर्म नहीं आती तुझे? मेरे बेटे के साथ दोस्ती करके तूने मेरे बेटे को ही मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया। ऐसा क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने जो तूने उसे मार दिया? बात मत करो, मार दो इसे। तेरे जैसे नीच आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है, मर जा तू जिंदे। सर सर सर, इनसे कहिए ना मुझे छोड़ दे। इंदिरा को मैंने नहीं मारा सर, इनको लगता है मैंने मारा है इसलिए मुझे मारने आए हैं। सर सर मुझे बचा लीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया, इंदिरा को मैंने नहीं मारा सर। सर सर, बिजली का तार होना तुम, छूंगा तो शॉक लग जाएगा। मैं छू के देखूं क्या सर? नहीं नहीं नहीं, बचा लीजिए। ठीक है, काम करो अपना। सर सर प्लीज सर, सर चंद्रप्पा साहब जी, कुछ बात क्यों नहीं कर रहे? मैं क्या बात करूं साहब, इतने दिन हो गए आपको थाने में आए हुए, आज तक मैंने आपको इतना खुश नहीं देखा। ये खुशी अगर हमेशा रखनी हो तो आपसे एक बात कहूं साहब। कहो ना। मेरी सलाह है कि आप अपना ट्रांसफर ऑर्डर लेकर इस थाने से कहीं और चले जाना साहब। कुछ भी करने के लिए इस गांव के लोग हमेशा तैयार रहते हैं। अगर इन्हें पता चला कि इन सारी साजिशों के पीछे आप हैं, तो आपके घर में तो आग पक्का लगनी है साहब। दो बच्चे हैं, प्यारी सी पत्नी है, सुखी परिवार है आपका, उसे बर्बाद होता हुआ मैं नहीं देख सकता। तुम्हारी बात सर आंखों पर, तो हम ऐसा ही करते हैं फिर। आपको नशा हो गया है, हद से ज्यादा पीकर आए हो आप, एक लिमिट तो होनी चाहिए ना। लिमिट क्रॉस करने वालों पर आज दी एंड का बोर्ड डालकर आया हूँ, इसलिए मैं लिमिट से परे हूँ। हे अनु, मैं ट्रांसफर लेने वाला हूँ। पहले वो काम करो, ये स्ट्राइक लफड़ा, इन लोगों की बातें, सब बहुत हो चुका है। कपड़े बदल कर खाना खा लो। अनुसुया, अनुसुया। अरे इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? एक छोटा सा काम बचा है, वो पूरा कर देता हूँ। आओ दरवाजा बंद कर लो। कौन? अरे भाई कौन है? सर आप यहाँ? सर सर क्या बात है सर, आप इतनी रात को? बोर हो रहा था सेठ जी, तो यहाँ चला आया। सेठ जी, इस गांव में कुछ कत्ले हुई है ना, उनका कारण क्या है पता है? पता नहीं सर। मेरे खिलाफ आवाज उठाकर लोगों ने मुझे नामर्द, नालायक, बदमाश और चीथू कहते हुए मुझ पर थूका था, इसका क्या कारण है पता है?
पता नहीं सर। इन सब का कारण आपकी बेटी है सेठ जी। सर, आपकी बेटी ने बस्ती वाले एक लड़के से प्यार किया था, पर ये उसके दोस्तों को पसंद नहीं आया और ये बात बढ़कर झगड़े तक पहुंची और फिर झगड़े से कत्ल तक पहुंच गई। सेठ जी, अब तक जितने भी कत्ल हुए उनका कारण तुम हो और तुमने जिसे जन्म दिया तुम्हारी बेटी। ये बात अगर गांव वालों को पता चल गई तो पूरे 12 सेठ घर को आग लगाकर जला देंगे। सेठ जी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सेठ जी, मजे की बात जानते हो, कल सुबह तुम्हारी बेटी की उससे शादी होने वाली है और शादी कराने वाला मैं हूं। कल सुबह जब ये दोनों शादी करके भाग जाएंगे तो कत्ल की वजह इनका प्यार है और प्यार की वजह आपकी बेटी है, ये कहकर आपको काट डालेंगे वो। अब इतना कुछ जानने के बाद आपकी बेटी अगर उसे धोखा देती है तो लड़का सुसाइड करके मर जाएगा। वैसे भी वो सुसाइड करके नहीं मरा तो मैं उसे मारूंगा। मारने के बाद सुसाइड प्रूव कर दूंगा उसे। सेठ जी, आपका केस खलास। अब बताइए सेठ जी, क्या करें? सर, दुनिया में बच्चे जरूर बुरे होते हैं लेकिन माँ बाप कभी बुरे नहीं होते हैं सर। बच्चे बुरे होने के बावजूद हमेशा उनकी भलाई चाहने वाले माता पिता ही होते हैं ना सर। मेहरबानी करके हमको बचा लीजिए। मैंने सोचा नहीं था मेरी बेटी इतना गिर जाएगी। कल ये बात सारे गांव वालों को पता चलेगी, मेरी बेटी उसके साथ भाग गई तो बेइज्जत होके मरने से अच्छा है मैं और मेरी बीवी अभी यहीं पर जहर खाकर मर जाएं। भले कितने ही पैसे खर्च हो जाएं, हमारी इज्जत तो बच जाएगी। दया करके हमारी सहायता कीजिए सर। सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर। सर, सर इसे रख लीजिए सर, लीजिए सर, लीजिए इसको रख लीजिए। सर, हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है सर। वो लड़का हमारी बेटी के पीछे ना आए, ऐसा कुछ कीजिए सर। सर, हमें बचा लीजिए सर। इतनी रात को कहाँ लूट मार हो गई जो थाने में फोन कर रहा है? हेलो, कौन है? चंद्रपा। ठीक है सर। सेठ जी, अब मैं सर आपकी बेटी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। सर, इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। सर, सर सर, बेटी। शीतल साहब कितने अच्छे हैं जानती हो? हम दोनों को एक करने के लिए मेरी कितनी मदद की है जानती हो? चलो, हमें ये गांव, ये पढ़ाई, ये लोग, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं कूली बनकर तुम्हें पालूंगा, शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे। आओ शीतल, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। आओ शीतल, शीतल।
मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। जानते हो, तुम पर भरोसा करके गलती कर दी। पता नहीं कैसे हो गई। हर दिन पहनने की यूनिफॉर्म छोड़कर कलर कपड़े पहनने की उम्र आती है। किसी एक लड़के को देखकर सारे बदन में बिजली सी दौड़ जाती है। मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। उसे बार बार देखने का मन करता है, बात करने का मन करता है, प्यार हो जाता है, उसका साथ चाहिए होता है, सब कुछ अच्छा लगता है। उसकी बातें, उसकी आंखें, उसके बाल, उसके घिन आती है मुझे। मुझे अपने आप को देखकर घिन आ रही है। कौन हो, क्या हो, ये जाने बिना मेरे जैसी कितनी लड़कियां होंगी सर, प्यार करने वाले हमारे लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, चाहे कुछ भी करेंगे। अरे तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ले आऊंगा ऐसा कहते हैं। शादी से पहले दो बच्चों की गारंटी देते हैं सर, पर मर्दों का प्यार सिर्फ 100 करोड़ उठने तक होता है सर। उसके बाद भी अगर वो प्यार दिखाता है तो उसका दिल भरा नहीं है, समझो। उसका प्यार, मोहब्बत, ये सब कुछ सिर्फ 2 बच्चे पैदा होने तक रहता है। उसके बाद जो होता है वो तो समझौता होता है, केयरलेस प्यार, केयरलेस प्यार होता है सर। सर लड़कियां प्यार में कभी धोखा नहीं देती हैं सर, पर ये कमीने मर्द प्यार में लड़कियों को कभी सच नहीं बताते हैं सर। क्यों सर? क्योंकि उनका प्यार सच्चा ही नहीं होता। इसकी जात पात देखे बिना मैंने इससे प्यार किया, सच्चा प्यार किया सर। पर मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया है, विश्वास ही नहीं होता। ऐसी बात मत करो शीतल। हाथ मत लगाना, चूना मत मुझे, हाथ मत लगाना मुझे। तुझे देखकर मेरे बदन में आग सी लग जाती है। मैंने मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने माँ बाप को धोखा दिया, मैंने अपने आप से धोखा किया। मेरी गलती के लिए मैं खुद को सजा दूंगी। ये सही रहेगी, मेरी गलती के लिए मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। और ये अपने माँ बाप को धोखा देने के लिए, क्यों 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 क्यों? मैंने इस इंसान से क्यों प्यार किया सर, क्यों 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 क्यों? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस सब से गुजरना पड़ेगा सर। सर, सर, मुझे ये प्यार व्यार कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मेरे माँ बाप ही नहीं रहेंगे तो मैं किसके लिए जीऊंगी? मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। नहीं शीतल, ऐसी बातें मत करो शीतल। तुम्हारे लिए मेरे दोस्तों को दूर करके, उन सबको खोकर मेरी जान मैंने हथेली पर रखी है शीतल। अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है शीतल। सर देखिए ना सर, इसके बाप ने कैसे इसका ब्रेन वॉश किया है, आप तो समझाइए सर। सर दया करके समझाइए इसे, प्लीज सर समझाइए। मैं आपके पैर पकड़ती हूं सर, आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, इसे मेरी नजर के सामने से दूर कर दीजिए। शीतल नहीं, शीतल सर तुम जाओ, आप तो समझाइए ना। हम दोनों को आपने एक करने का वादा किया था सर, अब दूर करने का मत सोचिए। मैं इसे छोड़कर नहीं रह सकता सर, सर प्लीज। ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है सर। ये जिंदा रहेगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। मेरे पापा से कहकर मैं आपको 2-3 लाख और दिलवा दूंगी। इसे मार दीजिए, जान से मार दीजिए।
इसे जिंदा मत छोड़िए सर। ये आदमी बहुत खतरनाक है, खत्म कर दीजिए इसे। सर खत्म कर दीजिए इसे। चंद्रपा साहब जी, इस लड़की को इसके घर पर छोड़ो। नहीं साहब, आप तो चंद्रप्पा, जो कहा वो करो। ठीक है साहब, आओ बेटी, आओ आओ आओ। चंद्रप्पा, कार में रुपयों की गड्डी पड़ी हुई है, उसे तुम लेकर जाओ। ठीक है साहब। सर सर, वो जा रही है सर, सर शीतल जा रही है, रोकिए उसे सर, वो जा रही है सर, उसे रोकिए, वो जा रही है सर, प्लीज उसे रोकिए सर, शीतल शीतल सर, उसके बिना मैं जी नहीं सकता सर। क्यों जिंदा खड़ा है अब तक तू? अच्छा तो आप मुझे मार देंगे सर? तुझे जिंदा छोड़ूंगा ये किसने कहा तुझसे? सर आप कमीने, उस दिन मंदिर के पास मेरी पत्नी को देखकर क्या कहा था? एक एकड़ जमीन जाएगी तो कोई बात नहीं, पकड़ूंगा तो इसी को पकड़ूंगा। एक एकड़ जमीन बेचेगा, उस दिन ही तुझे खत्म करना चाहता था, पर बच गया तू कमीने। कमाने की औकात नहीं है तुझमें, चोरी करके जिंदगी चलाता है, चोरों की गैंग बना रखी है और उसका नाम जिंदा रखा है तूने। कुछ तो मिस हो रहा है, इस लड़के को कहीं बहुत करीब से देखा है मैंने चंद्रप्पा। हे सर, आपने बुलाया? नाम क्या है तेरा? अशोक सर। ठीक है सर। यस, तेरे गैंग वालों ने क्या कहा था मुझसे? तेरी छोटी सी बच्ची को बड़ी बनाकर भेजेंगे और इस बड़ी लड़की को तेरे साथ मजे करके बच्चे पैदा करने के लिए तेरे साथ जाने को कहने वाला बेवकूफ नजर आ रहा हूं क्या मैं? हे, वो लड़की अगर तेरे साथ जाने को तैयार हो जाती तो उसे भी तेरे ही साथ यहाँ पर उड़ा देता। झगड़ा शुरू करने की वजह तू है और सबकी जान जाने की वजह मैं हूँ, ये जानने वाला एक तू है या मैं हूँ? अरे कमीने, तुझे जिंदा छोड़ूंगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ भला और कौन होगा पता है? अब जल्दी जाकर ऊपर वाले से तू मिल। दया करके मत मारिए सर, मेरी जान मत लीजिए सर, मैं जीना चाहता हूँ सर, मुझे ये प्यार व्यार कुछ भी नहीं चाहिए सर।